गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज हम लोग यहां पर 16:2 एलसीडी को इंटरफेस करके देखेंगे एटमेगा 8 के साथ। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एलसीडी डिस्प्ले के बारे में ओवरव्यू दिया है, इसके कुछ कमांड्स के बारे में मैंने आपको बताया है और इसके जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं उसके बारे में बताया है। सो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें। सो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले एलसीडी को हम लोग इंटरफेस करके देखेंगे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ एलसीडी में आपके टोटल 16 पिंस होती हैं, बट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पर सिर्फ 14 पिंस ही दिखेंगी। इसमें सबसे पहला और दूसरा पिन आप लोगों का इसको पावर सप्लाई देने के लिए है, मतलब VCC और ग्राउंड आप इसको देंगे। और थर्ड नंबर का जो पिन है VEE, इसमें हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है, देखिए जो भी आप यहाँ पर कैरेक्टर शो करने वाले हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसमें कॉन्ट्रास्ट कितना होगा, वो सारी चीज सेट करने के लिए हम लोग VEE को यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर VEE में जैसे जैसे आप लोग वोल्टेज वेरी करेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस वेरी करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का जो कॉन्ट्रास्ट होगा कैरेक्टर का वो चेंज होगा। इसके बाद आप लोगों के पास RSRW और इनेबल पिन है। इनके फंक्शन क्या होते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो यहां पर मैं आप लोगों को वो नहीं बताने वाला हूं, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो RS पिन को मैंने कनेक्ट किया हुआ है PC0 के साथ, RW पिन को मैंने कनेक्ट किया हुआ है PC1 के साथ, और इनेबल जो पिन है इसको कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने PC2 के साथ। और इसके बाद आप लोगों की आती है यहाँ पर 8 डेटा पिंस जो कि D0 से D7 तक होती हैं। तो D0 से D7 की जो पिंस हैं इनको मैं यहां पर कनेक्ट करने वाला हूं PD0, PD1, PD2 एंड सो ऑन PD7 के साथ। तो ये आप लोगों के कनेक्शंस हो गए यहां पर। और इसके बाद यहां पर आप लोगों के दो और पिंस होती है एक्चुअल में 15 और 16 नंबर, जो कि आपकी LCD में लाइट को ऑन ऑफ करने के काम आती है। तो ये कुछ कनेक्शंस है आप लोगों के LCD के। इसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग को हम लोग देखते हैं। सो प्रोग्रामिंग स्पेस हम लोगों का यहाँ पर खुल चुका है। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे और इसके बाद हम लोगों का मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने पिंस को डिफाइन करना पड़ेगा अपने माइक्रो कंट्रोलर की, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं LCD के साथ में। तो हमारी जो LCD है उसमें RSRW और इनेबल पिन PC0, PC1 और PC2 के साथ कनेक्टेड है। तो हम लोगों ने DDRC में करस्पॉन्डिंग जो बिट्स हैं उनको 1 कर दिया। और इसके बाद हमारी जो डेटा पिंस हैं वो हमारी कनेक्टेड है PD0 टू PD7 के साथ। तो DDRD में आप लोगों ने जो वैल्यूज हैं इनको 1 कर दिया। इसके बाद हमारी LCD में दो चीजें ट्रांसमिट होती हैं। फर्स्ट आप लोगों का है कमांड और सेकेंड है डेटा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ कमांड्स भेजेंगे और उसके बाद डेटा भेजेंगे। तो फर्स्ट कमांड में यहाँ पर भेज रहा हूँ जो है 0x38। एक्चुअल में आप लोगों का देखिए होता क्या है, दो मोड्स LCD यूज करता है ट्रांसमिशन के लिए। सबसे पहला मोड है 8-bit मोड और सेकेंड है आप लोगों का 4-bit मोड। तो इनिशियली हम लोग यहाँ पर 8-bit मोड को यूज करने वाले हैं। तो 8-bit मोड यूज करने के लिए हम लोगों ने कमांड भेजनी पड़ती है 0x38। तो यही यहां पर मैंने किया हुआ है, देखिए पोर्ट डी में 0x38 आप लोगों ने डाल दिया। और ये कमांड जैसे आप लिखेंगे उसके बाद एक प्रोसेस होता है जो मैंने आप लोगों को बताया था, इनेबल कैसे करते हैं, बेसिकली हाई टू लो आप लोग करते हैं। तो यहां पर जो ये तीन करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं इनको हम लोगों ने पहले हाई रखा है और उसके बाद एक डिले देने के बाद इसको लो कर दिया। तो जैसे ये हाई से लो होगा वैसे आप लोगों का जो ये कमांड थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने इस चीज को देखिए यहाँ पर जीरो रखा हुआ है। जीरो रखने का यहाँ पर मतलब ये है कि आपने RS की वैल्यू जीरो रखी है। RS की वैल्यू जीरो आप लोग तब रखते हैं जब आप कमांड भेजने वाले होते हैं। अगर आप डेटा भेजेंगे तो ये वैल्यूज जो होती हैं ये 1 होती है। तो इनिशियली आप लोग कमांड भेज रहे हैं इसलिए ये वैल्यू आपने जीरो रखी है। और सेकंड नंबर में भी आप लोगों ने वैल्यू जीरो रखी है क्योंकि ये आप लोगों की RW पिन है। राइट करने के लिए आप वैल्यू जीरो रखते हैं और रीड करनी हो तो वैल्यू 1 रखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का सिर्फ राइट ऑपरेशन होना है इसलिए आप लोगों ने इस वैल्यू को जीरो रखा हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने एक और कमांड यहाँ पर भेजी है 0E, जो आप लोगों की LCD और कर्सर को ऑन करने के लिए होती है। और अगेन आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए इनेबल को हाई से आप लो करेंगे, रेस्ट को आप लोग जीरो रखेंगे। और इसके बाद अगर आप लोगों की कोई गार्बेज वैल्यूज हैं
एलसीडी में, तो उनको क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पर 01 कमांड को ट्रांसमिट करते हैं। और अगेन इसके बाद आप लोगों को जो भी कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना है उसका आप लोगों ने पोजीशन बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर पोजीशन बताने के लिए बेसिकली ये काम हम लोगों ने किया है। और इसके बाद अगेन एंड अगेन हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने वाइल लूप लगाया है इनफाइनाइट। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और डिस्प्ले करवाने वाला हूँ अपनी एलसीडी में, तो मैंने पोर्ट डी के अंदर ए वैल्यू जो है वो ट्रांसमिट की। और इसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं, देखिए ये तो आप लोगों का इनेबल करने के लिए 1 से 0 किया है, और इसके बाद जो पहली बीट है PC0 में, ये आप लोगों की यहाँ पर वैल्यूज 1-1 है। अभी तक हम लोग कमांड भेज रहे थे इसलिए यहाँ पर वैल्यूज 0 थी, बट अब हम लोग यहाँ पर डेटा भेजने वाले हैं तो इसके लिए आप लोगों ने इन वैल्यूज को हाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने एक डिले दिया हुआ है क्योंकि मैं ए को जो है वो 1 सेकेंड के लिए ऑन रखना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं स्पेस देना चाहता हूँ, और स्पेस देने के लिए अगेन फिर हम लोगों ने ये लिखा हुआ है और फिर एक डिले दिया है, फिर बी यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है, और इसके बाद लास्ट में ए और बी डिस्प्ले होने के बाद हम लोगों ने पूरी स्क्रीन को क्लियर करना है। तो अगेन ये हमारी कमांड है, ये डेटा नहीं है, ये हमारा कमांड है जो कि उस पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो ये आप लोगों का एक प्रोग्राम हो गया जिसमें सबसे पहले ए प्रिंट करवाएगा, फिर स्पेस प्रिंट करवाएगा, फिर बी प्रिंट करवाएगा, और यही चीज़ बार बार लूप में होती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स के लिए। तो इसको हम लोग यहाँ पर बिल्ट कर लेते हैं, तो बिल्ट हो चुका है यहाँ पर ही। इसके बाद हम लोग इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग माइक्रो कंट्रोलर में डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद LCD1 नाम से हमारा ये जो हेक्स फाइल है इसको आप लोग ओपन करेंगे और ओके यहाँ पर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ए प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर अगेन आप लोगों का ए प्रिंट होगा, फिर स्पेस, फिर बी प्रिंट होगा। तो ये आप लोगों का एक बेसिक प्रोग्राम हो गया कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप प्रोग्राम में देख रहे होंगे एक ही चीज को हम लोगों ने बार बार करवाना है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो लेंथी हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे कमांड के लिए और एक फंक्शन बना लेंगे डेटा के लिए, जिसमें आप लोगों को ये इतनी सारी चीजें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट कोड हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर दो फंक्शंस मैंने बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने कमांड ट्रांसमिट करनी होगी तो उसके लिए कमांड फंक्शन यहाँ पर बनाया हुआ है, और अगर आप डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लाइंस मैंने कमेंट की हुई हैं। देखिए अगर आप लोग ऊपर के दो फंक्शंस को यूज करके कुछ चीज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को एक टाइम में एक कैरेक्टर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं 1 by 1 कैरेक्टर्स आप ना भेजना चाहें और पूरी स्ट्रिंग एक बार लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों का ये फंक्शन है। तो यहां से मैं कमेंट को हटा देता हूं। अब इसके बाद आप लोगों ने जो भी स्ट्रिंग भेजनी है आप लोग डायरेक्टली उस स्ट्रिंग को लिख पाएंगे। इसके बाद आप लोगों का मेन फंक्शन आएगा जिसके अंदर हम लोग कुछ कमांड्स भेज रहे हैं। देखिए इससे पहले आप लोगों को बहुत लंबा लंबा कोड लिखना पड़ रहा था, बट इसके बाद फंक्शंस के बाद आप लोगों को सिर्फ जो भी कमांड आपने भेजनी है वो लिखनी है, और जो भी डेटा आप लोग भेजना चाहते हैं वो डेटा आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। तो ये हम लोगों का एक कोड है कैसे आप लोग डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं एलसीडी में। अब हम इसको बिल्ट कर लेते हैं। बिल्ट हो चुका है हम लोगों का यहाँ पर, तो इसके बाद हम लोग इसको सिमुलेट करके देख लेंगे। lcd.hex नाम से हम लोगों की फाइल है, इसको आप ओपन कर लेंगे, ओके यहाँ से प्रेस करेंगे और इसके बाद सिमुलेशन को प्ले करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एलसीडी इंटरफेसिंग बाय 5 वोल्ट हम लोगों का आउटपुट आ चुका है। अब इसको हम लोग एक बार हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं इसके कनेक्शन को। सो देखिए कनेक्शंस यहाँ पर मैं कर चुका हूं। पिन नंबर 1, 2 को हम लोगों ने ग्राउंड और VCC किया हुआ है, और जो थर्ड हमारी पिन है उसको हम लोगों ने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज दी हुई है, और इसके बाद हमारे डेटा पिन्स हैं वो कनेक्टेड हैं PD0, PD1, PD2, PD3, PD4 एंड सो ऑन PD7 के साथ, और लास्ट में हम लोगों की जो LEDs की टर्मिनल्स होती हैं उनको हम लोगों ने VCC और ग्राउंड दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लोगों ने इसको प्रोग्राम करना है और इसके बाद हम इसके आउटपुट को देख लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हम लोगों ने
कुछ स्ट्रिंग यहाँ पर ट्रांसमिट की थी एलसीडी इंटरफेसिंग बाय 5 वोल्ट्स, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है अपने एलसीडी में। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट्स आप लोगों के हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।